अगर आप हमारी बात का मान रखती हैं, तो आपको साबित करना होगा कि आपको हमारी और हमारे खानदान की परवाह है। वादा कीजिए कि आप ये सच रणधीर को कभी नहीं बताएंगे। सोच क्या रही हो? बच्चा नहीं दे सकती, वादा तो दे सकती हो एक माँ की खुशी के लिए। रानी माँ, आप जैसा कहेंगी बिल्कुल वैसा ही होगा। पर आप रणधीर को अपने से दूर जाने के लिए कैसे मनाएंगे? रणधीर कभी खुद मुझसे दूर जाएंगे ही नहीं। इसके लिए मुझे उनसे दूर जाना होगा। कैसे? कुछ सोचा तुमने? मुझे रणधीर को यह विश्वास दिलाना होगा कि मैं इस महल में रहकर बिल्कुल भी खुश नहीं हूं। वो अपनी मां को कभी नहीं छोड़ेंगे और ऐसे में हम दोनों के बीच के फासले और बढ़ जाएंगे। मेरे शादी का जोड़ है, वही जोड़ा जो मैंने रणधीर के साथ अपनी शादी के वक्त पहना था। फिर अचानक बंटवारे की घोषणा हुई और हमें बीच शादी से भागना पड़ा। इस जोड़े से हमारी बहुत सी यादें जुड़ी हुई है। की थी वो लाली, गजब की थी वो सुर्खी, उड़ती हुई पतंगे मुंडेरे थी वो घर की। आप इस जोड़े को कचरा कहकर इसकी बेइज्जती करें और फिर इसे फाड़ कर फेंक देंगी। फिर इस बात पर मैं आपसे झगड़ा कर लूंगी और आपसे नाराज होने का नाटक करके इस महल से चली जाऊंगी। ऐसे में रणधीर ना ही मुझे रोक पाएंगे और ना ही आपको छोड़कर मेरे पीछे आ पाएंगे। लेकिन अमृत, ये जोड़ा बहुत अच्छे। ये काम भाभी से तो हो नहीं पाएगा, इसे अंजाम हम देंगे। इस जोड़े की वो हालत करेंगे कि ये तुम्हारे किसी लायक नहीं रहेगा। वो लिफाफा देना। चले खेल शुरू करें। आय हाय हाय, इतना सारा कूड़ा कचरा, ये घर है या कबाड़खाना? घनश्याम, ये सारा कचरा बाहर लेके जाओ और जला दो। पर बुआ जी, ये तो मेरा सामान है ना। कावेरी ठीक कह रही है, घर में बेकार पुराना सामान रखना मनहूसियत होता है। फेंक दो ये सारा। लेकिन माँ, आप रुक जाइए, अब जाइए, कुछ नहीं फेंकना है। वो लिफाफा उसमें जो है वो भी फेंक दो। हाँ, ये लिफाफे में क्या है? ये सब एक रचा हुआ नाटक है रणधीर,
पर मैं चाहती हूँ कि आप यहाँ आए और इसे सच मानकर इस पर यकीन कर लें। आए हाय, ये क्या है? किसी की तस्वीर? कचरा है ये, फेंको इसे। चेहरे के हाव भाव ठीक करो वरना अपने बेटे को इसके चुंबन से कभी बचा नहीं पाऊंगी। अमृत, क्या हुआ? आपको तो पता था ना रानी माँ, आप तो जानती थी ना, फिर क्यों होने दिया आपने ये? हे भगवान, ये लड़की क्या बदतमीजी कर रही है ये रानी माँ के साथ, चिल्ला रही है उन पर। ये हो क्या रहा है, कोई बताएगा मुझे? होना क्या है, ये सब घर का कचरा था, हम इसे बाहर फेंक रहे थे और अनजाने में हमारे हाथ में कोई तस्वीर आ गई और हमने उसे फाड़ दिया और ये लड़की चिल्ला चिल्ला के पूरा महल अपने सर पर उठा रही है। चिल्लाऊंगी नहीं तो और क्या करूंगी मैं बुआ जी, मेरे माँ बाबू जी की ये इकलौती तस्वीर बची थी मेरे पास, मेरी यादें जुड़ी थी इससे और आपने इसे फाड़ दिया। मैंने आपको सिर्फ जादी का झूठ नाटक क्यों कर रही हो तुम? हाँ, हमें क्या पता था कि ये तुम्हारे माँ बाप की मामूली सी तस्वीर है। जो तुमने कहा है ना उसे पूरा करो, ये बहाने को नाटक बना के खेलो, समझी तुम? मांगो, माफी मांगो रानी माँ से, अभी की अभी। सवाल ही पैदा नहीं होता, गलती मैंने नहीं रानी माँ ने की। रानी माँ जानती थी कि ये मेरे माँ बाबू जी की आखिरी तस्वीर मेरे लिए क्या मायने रखती, फिर भी माँ ने इसे पढ़ जाने दिया, कुछ नहीं कहा। अगर कोई यहाँ पर माफी मांगेगा तो वो रानी माँ माफी मांगेंगी। अमृत, सुन रहे हैं आप रणधीर, ये क्या कह रही है? हम भला इसके माँ बाप की तस्वीर को क्यों फाड़ने देंगे? जो भी हुआ अनजाने में हुआ और ये इतना बड़ा इल्जाम लगा रही है हम पे, इतना बड़ा। माँ संभाल के चलिए हमारे साथ। मानक, बहुत बढ़िया, बहुत खूब, बहुत बहुत अच्छा निशाना, शाबाश। ऐसी वाह, गोल कर दिया है आजा मेरे शेर। कोच अंकल ने अच्छे से सिखाया। कोच अंकल ने सिखाया? कौन है कोच अंकल तुम्हारे यहाँ? वो रे कोच अंकल। वशमा या उसके पति का साया भी मानक पर नहीं पड़ने दे सकता, उदय को यहां से दूर जाना ही होगा। मानक बेटा आप अंदर जाइए। नहीं हमें खेलने, हम अंदर नहीं जाएंगे। हमने कहा आप अंदर जाइए। हम दो दिन के लिए बाहर क्या गए और यहां नया तमाशा शुरू कर दिया? एक बात याद रखना, कोठे वाली के पति को हम इस महल में रहने नहीं देंगे। दूर हो जाओ हमारी नजरों से। ये आप मुझे डांट कर, मुझ पे गुस्सा करके उस बच्चे के भविष्य का नुकसान कर रहे हैं। आप समझने की कोशिश कीजिए, वो बहुत अच्छा खेल रहा है, बहुत जल्दी जल्दी चीजें सीख रहा है, ऐसा लगता है जैसे खून में ही हॉकी है। चुप। गोविंदा इस महल में दिखे ना तो तुम्हारी हड्डियां तोड़ दूंगा मैं। नमस्ते रणधीर साहब, न जाने मोहन चाचा को क्या ही हो गया, मुझे देखकर चिढ़ते ही रहते। आप बताइए, नौकरी आपने दी है मुझे और छीन उन्होंने ली,
मैं जब भी मानक के साथ हंसता खेलता रहता हूँ तो न जाने क्यों देखकर चिढ़ जाते हैं, नाराज होने लग जाते हैं। मैंने कई बार समझने की कोशिश की है लेकिन मुझे तो समझ में ही नहीं आ रहा कि उनके दिमाग में चल क्या रहा है। वैसे मैं तो सोच रहा हूँ कि मानक का हॉक अंधीर साहब आप अच्छा तो इसका मतलब आपने मेरी कोई बात सुनी। बताइए रणधीर साहब कहाँ गायब है, क्या चल रहा है आपके दिमाग में? कुछ नहीं उदय, सच कहूं तो पहली बार ना बड़ी दुविधा महसूस हो रही है मुझे। पहली बार मैं ना अमृत को समझा पा रहा हूं ना ही माँ को, क्योंकि अमृत माफी मांगेगी नहीं और माँ बिना माफी मंगवाए कुछ खाएंगी नहीं। समझ में नहीं आ रहा क्या करूं। नहीं साहब, अगर आप कभी गौर से देखें तो आपको समझ में आएगा कि अमृत आमतौर पे ऐसा करती नहीं है। जी नहीं, मेरा मतलब है कि उसके संस्कारों में बड़ों से माफी मांगने के लिए उसका सही होना या गलत होना जरूरी है। अब जैसे मैं आपको एक बात बताता हूँ कि एक बार बाऊजी और अमृत के आपस में नाराजगी हो गई थी। बाऊजी ने खाना बंद कर दिया था, खा रहे थे, बिल्कुल बात नहीं मान रहे थे और इस वक्त अमृत बहुत ही बेचैन और परेशान रही थी। ऐसा कभी नहीं हुआ रणधीर साहब कि घर में किसी बड़े ने खाना ना खाया और अमृत ने खाना खा लिया। ये बात मुझे कुछ हजम नहीं हो, ऐसा नहीं हो सकता। आपको लगता है कि अमृत मुझसे कुछ छुपा रही है? हो सकता है। रानी माँ, हम दोनों को आपसे कुछ कहना है, कुछ बात करनी है। रणधीर, रानी माँ का यूं खाना पीना छोड़ देना मुझसे भी बर्दाश्त नहीं होता है, पर मैं भी खुद को गलत नहीं ठहराना चाहती। इसीलिए मैं और रानी माँ खुश रह सके इसका एक ही रास्ता है, आपको मुझ में और माँ में से किसी एक को चुनना होगा। ये आप क्या कह रही हैं अमृत? वही जो आप सुन रहे रणधीर, अगर मैं यहां इस राजमहल में रही तो रानी मां कभी खुश नहीं रह पाएंगी। इसीलिए रणधीर, इसीलिए आपका हम दोनों में से किसी एक को चुनना बहुत जरूरी हो जाता है और आपको ये फैसला आज और अभी लेना होगा। अमृत ये रणधीर, आप जानते हैं हम आपके बिना एक पल भी नहीं रह पाएंगे। देखिए अमृत, आप एक बार ठंडे दिमाग से सोचिए, क्योंकि हमने जो आपने फैसला लिया है ना वो सही नहीं है। मैं फैसला कर चुकी हूं रणधीर, हम तीनों एक साथ नहीं रह सकते। अब फैसला लेने की बारी आपकी है, बोलिए रणधीर, मैं या माँ? फैसला हो गया रणधीर, इस राजमहल से मैं अकेली जाऊंगी। कल सुबह मैं इस राजमहल से हमेशा हमेशा के लिए चली जाऊंगी।
उदय, रणधीर साहब आप? उदय, मुझे आपसे अमृत के बारे में कुछ बात करनी है। समझ लीजिए कि मुझे आपकी मदद की जरूरत है। हाँ रणधीर साहब, कहिए ना, कहिए। इस पर्ची में आपकी दवाइयों के बारे में सब कुछ लिख दिया है। कौन सी दवाई कब लेनी है, कितने दिनों तक लेनी है, उसकी पूरी जानकारी है इसमें। दवाई वक्त से लीजिएगा और अपना ध्यान रखिएगा। हो गया सब? हाँ, चलो अब अपना सामान ठीक से पैक कर लो। तुम्हारी मंजिल बहुत दूर है, बातों बातों में कोई सामान पीछे ना छूट जाए। बाबू भाई, इस लड़की का सामान बाहर ले आओ। तुम जिसे ढूंढ रही हो वो इस वक्त इस महल में नहीं है। वो आपके रहने के अलावा आपके खाने पीने का भी इंतजाम कर दिया है हमने। अपना ख्याल रखना। आप भी, आप दोनों का ख्याल रखना, अपना भी और मेरे रणधीर का भी। रानी माँ, आपके लिए लेटर रणधीर जी ने भेजा है। शादी का मंडप यहाँ? महल की चार दीवारी में जिसने मां को चुना वो एक बेटा था, लेकिन आज इस खुली सड़क पे जो आपके सामने खड़ा है वो एक आशिक है, दीवाना है, पागल है, जो एक लड़की से बेइंतहा मोहब्बत करता है और वो उससे आज और अभी शादी करना चाहता है। मंडप तैयार है हमारी शादी के लिए। मां, हमने ही वो लेटर लिख के आप सबको यहां बुलाया। ये सब क्या है रणधीर? आपका दिमाग तो ठिकाने है। अब मैं किसी भी हालत में अमृत को खुद से जुड़ा नहीं होने दूंगा, क्योंकि यह शादी होगी आज और अभी होगी। नहीं रणधीर, ऐसा नहीं हो सकता है। मैं आपसे शादी नहीं कर सकती। लेकिन क्यों अमृत, आप मुझसे क्यों शादी नहीं कर सकती? क्योंकि डॉक्टर ने कहा है कि मैं कभी मां नहीं बन सकती। तो
सिर्फ एक छोटी सी बात को आप मुझसे दूर जाने की वजह नहीं बना सकती हैं। सोचिए, अगर आपको शादी के बाद पता चलता कि आप मां नहीं बन सकती, तो क्या आप मुझे छोड़ देती? या शादी के बाद मुझ में कोई कमी निकल आती तो क्या आप मुझे छोड़ के चली जाती? अमृत, रंजन बनके बहुत कहानियां लिख ली आपने, अब उन कहानियों को जीने का वक्त आ गया है। आज पता चलेगा इनके प्यार में कितनी गहराई है। आज पता चलेगा कि ये रणधीर को खुश देखना चाहती है या बर्बाद होते हुए देखना चाहती है। यजमान जी, दुल्हन को बुलाइए। मेरे सारे किए कराए खेल पर पानी फिर गया, अब अमृत क्या करेगी? पंडित जी, मंत्र शुरू कीजिए, दुल्हन आ गई है। इधर उधर क्या देख रहे हैं पंडित जी आप? मंत्र शुरू कीजिए। अब वर और वधू एक दूसरे को वरमाला पहनाइए। अब वर वधू को मंगलसूत्र पहनाइए। दुल्हन की मांग में सिंदूर भरेंगे। अमृत, इजाजत दीजिए कि मैं आपकी मांग भर सकूं। इजाजत दीजिए कि लाला जी के आशीर्वाद के साथ आपको हमेशा खुश रख सकूं। इजाजत दीजिए कि आपको हमेशा हमेशा के लिए अपना बना सकूं। अब से आप दोनों पति पत्नी हैं। यह विवाह संपन्न हुआ। माँ, मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करता हूं, हमें स्वीकार कर लीजिए। मां, हमने सिर्फ अपना प्यार और लाला जी की इच्छा ही नहीं बल्कि वीर की इच्छा का भी सम्मान किया है। मां, हम जानते कि आप हम दोनों से बहुत नाराज हैं। आप अपनी संतान की संतान को लेकर चिंतित हैं। पर मां, आपको आपको यह भी तो देखना होगा ना कि आपकी संतान की खुशी किस में है। माँ, आप अपनी जगह बिल्कुल सही हैं, पर अगर आप सोचेंगी तो आपको पता चलेगा कि हम भी अपनी जगह गलत नहीं है। मैं आपसे विनती करती हूँ, आप एक बार सब कुछ बुलाकर
हम दोनों को आपके गले लगा लीजिए। आपकी खोई हुई सारी खुशियां आपके पास वापस आ जाएगी। और आप तो मुझे जानती हैं माँ, अपने दिल पे हाथ रख के कहिए, अगर अमृत मुझे छोड़ के चली जाती तो क्या मैं किसी और से शादी कर लेता? नहीं माँ, मैं भी बस अपनी जिंदगी से निराश होकर इस महल से कहीं बहुत दूर चला जाता है। लेकिन माँ, उससे ना आपको खुशियां मिलती और ना ही हम दोनों को। माँ, बचपन में भी तो आपने मेरी जिद पूरी की होगी ना, मेरी खुशी के लिए मेरी हर बात मानी होगी। तो बस माँ, आज अपना बच्चा समझ के मेरी जिद पूरी कर दीजिए। माँ, आपका ये बच्चा ना आपसे हाथ जोड़ के उसकी खुशियों की भीख मांग रहा है। बस एक बार अपना बच्चा मान के मेरी जिद पूरी कर दीजिए। मैं आपसे वादा करता हूं माँ, उसके बाद मैं आपसे कभी कुछ नहीं मांगूंगा। आप जो कुछ भी कहेंगी मैं आंख बंद करके वो मानूंगा माँ। माँ, मुझे और अमृत को स्वीकार कर लीजिए। बिंदु, आरती की थाल ले आ। बीस साल हम आपसे दूर रहे, हमारी मजबूरी है कि हम आपसे और दूर नहीं रह पाएंगे। हाँ, मैं जानता हूं कि आप हमसे अभी भी खुश नहीं हैं। आप खुश हैं, काफी है हमारे लिए। अभी तो हम तभी आराम करेंगे जब इस माँ बेटे की जोड़ी को हमेशा के लिए एक दूसरे से अलग कर देंगे। अब क्या तिगड़म चल रहा है आपके दिमाग में? रणधीर, जो नलिनी की कमजोरी है, जिसे चाहकर भी वो इस महल से बाहर नहीं निकाल पा रही है, जब उसे पता चलेगा कि उसका बेटा उसका असली बेटा नहीं है, तो हमें भाभी को विश्वास दिलाना होगा कि बरसों के बाद इस महल में आया हुआ उनका बेटा उनका असली बेटा नहीं, एक बहरूपिया है। तो फिर पति पत्नी हमेशा के लिए इस महल से और उनकी रानी माँ के दिल से बाहर हो जाएंगे। फॉर मोर अपडेट्स Subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.